रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसके भी दो टाइप होते हैं, एक होता है स्टैटिक रैम, एक डायनेमिक रैम। देखिए हमने लास्ट क्लास में मेमोरी स्टार्ट किया था। मेमोरी यानी कंप्यूटर का वो एसेंशियल पार्ट जो कि डेटा को स्टोर करता है, यानी कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करता है, डेटा को स्टोर करके कुछ देर के लिए रखता है या परमानेंट टाइप में रखता है। जिनमें मेमोरी हमने देखा था, कंप्यूटर की मेमोरी जो डेटा को स्टोर करे, दो टाइप की मेमोरी हमने देखी थी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी में दो मेमोरी हमने देखी थी, वोलाटाइल मेमोरी और नॉन वोलाटाइल मेमोरी। और वोलाटाइल मेमोरी में भी एक लेक्चर मैंने बनाया है रैम के ऊपर, रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि डेटा को तब तक स्टोर करके रखता है जब तक कंप्यूटर ऑन रहता है। यानी रैम वो पार्ट होता है कंप्यूटर का, वो मेमोरी होता है, वो डेटा को स्टोर करके रखता है कुछ देर के लिए, यानी टेम्प्रोरी मेमोरी इसको हम कहते हैं, जो कि सीपीयू के प्रोग्राम को चलाने के काम में आता है। यानी सीपीयू जो भी प्रोग्राम चला रहा है, अगर आप एक सॉन्ग प्ले कर रहे हैं तो वो सॉन्ग उस टाइम पे रैम पे चल रहा है, अगर आप एक गेम खेल रहे हैं तो वो गेम उस टाइम पे रैम पे चल रहा है, और आप जैसे उसे क्लोज कर देंगे वो आपका सेकेंडरी मेमोरी में वापस चला जाएगा। तो रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी ये एक ऐसी मेमोरी होती है जो डेटा को कहीं से आसानी से पिक कर सकता है, ये फास्ट होता है, और टेम्प्रोरी स्टोरेज होता है जो कि कुछ देर के लिए डेटा को स्टोर करता है। रैम के दो टाइप होते हैं, पहला होता है स्टैटिक रैम, दूसरा होता है डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम यानी कि एस रैम, दूसरा होता है डी रैम यानी डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम किसको कहते हैं, तो स्टैटिक रैम जो है वो छोटे मोटे प्लेटफॉर्म्स पे लगता है, यानी पर्सनल कंप्यूटर वगैरह में लगता है, मैक्सिमम 2, 8, 4, 16 GB के आसपास का होता है। ये बहुत कम डेटा स्टोर करता है, और कम डेटा स्टोर करने के कारण इसमें कुछ भी एडिशनल चीज़ें नहीं लगती हैं जैसा कि डायनेमिक रैम में लगता है। यानी कि डायनेमिक रैम जो होता है वो ज़्यादा मात्रा में डेटा स्टोर करता है, ये 150 GB तक यानी 150 GB तक का हो सकता है, उससे ऊपर भी जा सकता है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में डेटा स्टोर करता है, और ज़्यादा से ज़्यादा डेटा मात्रा स्टोर करने के लिए, यानी ज़्यादा डेटा स्टोर करने के लिए इसमें कैपेसिटर लगता है। कैपेसिटर यहाँ पे लिखा हुआ है, डी रैम स्टोर ईच बिट ऑफ डेटा ऑन द सेपरेट कैपेसिटर। वो कैपेसिटर में डेटा को स्टोर करके रखता है कुछ टाइम के लिए। कुछ टाइम का मतलब कि उसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है डायनेमिक रैम को। अगर डायनेमिक रैम को बार बार रिफ्रेश नहीं करेंगे तो उसका डेटा लॉस हो जाएगा, यानी उसका डेटा लॉस्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो दो तरह के रैम हमने देखे थे, आपके स्टैटिक रैम जो कि साइज में छोटा होता है और इसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और दूसरा होता है डायनेमिक रैम जो साइज़ में बड़ा होता है, जिसमें डेटा स्टोर कराने के लिए कैपेसिटर लगे होते हैं और जो है इसको रिफ्रेश करना पड़ता है, और ये लार्ज प्लेटफॉर्म पे लगता है, बड़े प्लेटफॉर्म्स पे लगता है, जैसे कि सर्वर वगैरह हो गया। नेक्स्ट आज हमको देखना है लेक्चर में ये है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होती है, ये जो मेमोरी होती है वो डेटा को स्टोर करती है। किस डेटा को स्टोर करती है, तो वो डेटा जिनको हम बार बार ओपन करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, उन डेटा को स्टोर करती है। सपोज़ कि आपको एक फाइल 5 बार चलानी है, आप एक बार चलाए, 2 बार चलाए, जैसे ही 1 से 2 बार खुलती है तो उस फाइल की हिस्ट्री एक अलग मेमोरी में जाके लिखी जाती है। यानी ये जो है मेमोरी, वो अगर आप 1 से ज़्यादा फाइलों को ओपन करोगे तो उस डेटा को वो स्टोर करके रख लेगा। तो कैश मेमोरी जो कि आपके फ्रिक्वेंटली रिक्वायर्ड जो है आपके प्रोसेस होते हैं उनको वो स्टोर कर लेता है, इन्फॉर्मेशन स्टोर कर लेता है। यानी कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी गेम, कोई भी टेक्स्ट आप बार बार ओपन कर रहे हो, कोई फाइल आप बार बार ओपन कर रहे हो, तो कैश मेमोरी क्या करेगा, कैश मेमोरी उसको स्टोर करके रख लेगा, यानी उसका नेम एड्रेस वगैरह लिख के रख लेगा। अगली बार जब आप क्लिक करोगे उसको खोलने के लिए तो सीपीयू मेमोरी यानी हार्ड डिस्क यानी सेकेंडरी मेमोरी में ढूंढने से पहले वो कैश में ढूंढेगा। तो इससे क्या होता है कि उसे किसी और मेमोरी में ढूंढने से अच्छा है कि वो अपने कैश में ही ढूंढ ले। कैश में ढूंढता है तो वो आसानी से पा जाता है, जिससे कंप्यूटर की स्पीड फास्ट होती है। तो इसीलिए हम कैश को फास्टर मेमोरी कहते हैं, क्योंकि इसमें रिसेंट यूज्ड डेटा होता है, यानी जो डेटा हम बार बार इस्तेमाल करते हैं सीपीयू उनको तुरंत इस्तेमाल में ले लेता है। कैश के अलग अलग टाइप्स होते हैं, जिनमें आता है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 यानी L1, L2, L3, 3 तरह के कैश होते हैं। अब पहला कैश जो होता है L1, वो आपके सीपीयू में यानी प्रोसेसर में इनबिल्ट होता है, माइक्रो प्रोसेसर में। कभी कभी क्या होता है कि हम प्रोसेसर खरीदते हैं तो हमें लगता है कि कोई प्रोसेसर सस्ता है और वैसा ही दिखने वाला प्रोसेसर क्यों महंगा है, क्योंकि हो सकता है उसमें कैश मेमोरी लगी हो,
दैट्स वाई वो महंगा होता है। दूसरा होता है आपका L2 कैश। L2 कैश जो है वो सेकेंडरी कैश कहलाता है, और L2 कैश जो है वो RAM के और CPU के बीच में होता है। यहाँ आप डायग्राम में देख रहे हैं कि इनपुट यूनिट से आप जब इनपुट लेते हैं तो वो RAM में जाता है, और RAM क्या करता है, कैश में ढूंढता है, कैश के थ्रू CPU स्टोरेज यूनिट से निकाल के देता है। तो यानी कि CPU और RAM के बीच में ये जो है कैश मेमोरी होती है। तो L1 कैश आपके CPU में ही होता है, और L2 कैश वो होता है आपके RAM और कैश के बीच में। एक अलग से मेमोरी, कैश मेमोरी लगती है, जिसका नाम है Level 3 कैश। Level 3 कैश बड़े बड़े सर्वर के लिए होता है, ये 1, 2, 3, 4 MB तक होता है। कैश मेमोरी की साइज़ बहुत छोटी होती है, क्योंकि ये सिर्फ हिस्ट्री स्टोर करता है कि कोई फाइल अगर आपने ओपन की है और वो उसका अगर सपोज कि उसका एड्रेस 10,000 है, तो आपको अगली बार वो फाइल खोलने के लिए एड्रेस नहीं ढूंढने की जरूरत है, वो कैश में मेंटेन है। जैसे आप फाइल पे दोबारा क्लिक करेंगे तो वो कैश से निकाल के दे देगा। तो हमने यहाँ पे मेमोरी देखी, मेमोरी जो कि मेमोरी हमने देखी जो कि मेमोरी आपकी प्राइमरी मेमोरी में हमने रैम देखा। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी जो कि डेटा को स्टोर करता है टेम्प्रोरी वे में। दो तरीके का रैम होता है आपका, पहला होता है स्टैटिक रैम, दूसरा होता है डायनेमिक रैम। उसके बाद से हमने स्टैटिक डायनेमिक की डिफिनेशंस देखी, स्टैटिक क्या करता है, स्टैटिक कितना डेटा स्टोर करके रखता है ये हमने जाना। डायनेमिक देखा हमने, डायनेमिक में डायनेमिक रैम जो है उसमें कैपेसिटर क्यों लगता है, कैपेसिटर में डेटा स्टोर होता है, मैक्सिमम वैल्यू में डेटा स्टोर हो, दैट्स व्हाई हम कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं। अब ज़्यादा मात्रा में डेटा स्टोर हो जाता है, इसलिए कैपेसिटर को बार बार रिफ्रेश करना होता है, अदरवाइज उससे इलेक्ट्रॉनिक पल्स लीक करेगा, लीक ना हो दैट्स व्हाई उसमें रिफ्रेशमेंट सर्किट लगा होता है जो उसके 2 मिलीसेकंड के अंदर रिफ्रेश करता है। 2 मिलीसेकंड का मतलब होता है कि सेकंड का 1000वां हिस्सा, हम उसे मिलीसेकंड कहते हैं, यानी कि 2 हिस्से को हम कहेंगे मिलीसेकंड, तो वो 2 मिलीसेकंड में उसे रिफ्रेश करता रहता है। उसके बाद हमने देखा कैश मेमोरी। कैश मेमोरी वो मेमोरी होती है जो कि रैम और CPU के बीच में होती है, और ये रिसेंट यूज डेटा को स्टोर करके रखती है, यानी कि दोबारा जब उसे ढूंढना हो तो वो उसे सेकेंडरी मेमोरी में प्रोसेसर ना ढूंढे, CPU ना ढूंढे, वो कैश से ही ढूंढ के निकाल दे, दैट्स वाई कंप्यूटर की स्पीड फास्ट हो जाती है। तो हमने ये प्राइमरी मेमोरी में वोलेटाइल मेमोरी देखा है, वोलेटाइल मेमोरी यानी कि कैश मेमोरी एंड रैम। अब हमें देखना है नॉन वोलेटाइल मेमोरी, जिसको हम ROM जानेंगे, यानी नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं ROM। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप देखते रहिए ऐसे ही, इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।